चलिए, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन बना रहे थे, उसका आंसर बार बार डिफर आ रहा था। क्लास तो समाप्त हो गया, लेकिन हम एक क्वेश्चन को फिर से सही बनाते हैं और उसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नया तरह का लग रहा है। आंसर बार बार डिफर आ रहा था, टाइम हो गया था, इसलिए प्रूफ नहीं कर पाए। फिर से इसको बनाते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि क्या जो आंसर आ रहा है, कौन आंसर सही है। तो आइए पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी हो गया आपको 12,000 रुपया का, दो वस्तु है और 1,000 का लॉस है, आपको 25,000 रुपया हो गया। अब 25,000 को दो भाग में बांटिए, यह दो वस्तु का सीपी है, CP1 प्लस CP2। अब अलग अलग कितना कितना है वही हमको निकालना है, हालांकि निकाले भी थे, सही निकाले थे। पहला को 10% लाभ पर बेचा गया है, तो बिका है आपको 12,000 रुपया में। तो इसका CP1 हो गया, बारह पर 4 0 हो जाएगा, 1,20,000 बटा 11। और हम CP2 भी निकाल देते हैं, तो 25,000 टोटल CP है, इसमें से इसको घटा देते हैं, यही हो गया 155 पर 000, 155,000 बटा 11। यहाँ तक हम लोग बनाए हुए थे, यहाँ तक हम लोग निकाले हुए थे। इसके बाद अब देखिए, पहला वस्तु पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, पहला वस्तु पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा और दूसरा पर लॉस हुआ, उसके कारण टोटल लॉस हुआ। पहला पर प्रॉफिट हुआ है या क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, और दूसरा पर कुछ लॉस हुआ है, आई मिला करके टोटल लॉस है, टोटल लॉस है। तो अब थोड़ा ये सोचा जाए कि दूसरा पर जो लॉस हुआ है, ये दूसरा पर जो लॉस हुआ है, यह जो लॉस है, यह लॉस हम कैसे निकालेंगे, यह लॉस हम कैसे निकालेंगे।